देवी पार्वती और भोले शंकर के प्रेम की अलग ही पराकाष्ठा है। यह उनके प्रेम का स्वरूप ही है कि भोले के आधे अंग पर माँ पार्वती विराजती है और वह अर्धनारेश्वर महादेव कहलाते हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि देवी पार्वती ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, माता पार्वती ने महादेव के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, भगवान विष्णु, नारद जी और रावण को भी श्राप दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों दिया था माता पार्वती ने इन सभी देवताओं को श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ द्युत क्रीड़ा खेलने की अभिलाषा प्रकट की। इसमें भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ ने अपनी अलग ही लीला रची। उन्होंने पत्ते से बने वस्त्र पहने और गंगा तट पर पहुंच गए। यह बातें जब कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए। कार्तिकेय जी जब माता के पास पहुंचे और पिता की वस्तुएं मांगी तो माता ने उन्हें कहा कि खेल में हारी वस्तुएं खेल में ही जीतनी होगी। इसके बाद खेल शुरू हुआ और इस बार खेल में पार्वती जी हार गई तथा कार्तिकेय भगवान शंकर का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र भगवान गणेश को बताई। माँ की पीड़ा सुन रहे गणेश जी स्वयं खेल खेलने भगवान शंकर के पास पहुँचे। इस बार भोलेनाथ जी के साथ गणेश जी खेल रहे थे। इसमें गणेश जी जीत गए। लौटकर उन्होंने अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। यह सुनकर माता पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद गणेश जी पुनः भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने भगवान गणेश से उनके साथ लौटने से मना कर दिया। तब गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को बताई। यह सुनकर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, यदि तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। इधर भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुँचे और खेलने को कहा। लेकिन इस पर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या शेष है। तब नारद जी ने अपनी वीणा भोलेनाथ को सौंप दी। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी सारी बात समझ गए। उन्होंने पासे रूप में भगवान विष्णु का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। यह सब सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधावश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया। कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि यह रावण जो आज तुम्हारे साथ हर खेल में बराबर का साझीदार रहा, यही एक दिन तुम्हारा शत्रु होगा। फिर उन्होंने रावण को यह श्राप दिया कि जिसकी आज उसने मदद की है वही विष्णु एक दिन उसका अंत करेंगे। देवी पार्वती का क्रोध यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को भी श्राप दिया। जी हाँ, उन्होंने कार्तिकेय को हमेशा ही बाल रूप में रहने का श्राप दिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।